खान साहब हम आजादी निकले ने यह सारा सियासी कार्ड ही है क्योंकि आजादी इन्होंने को भी टाइम है ही ना ठीक है और कोई ऐसा काम अपनी आवाम नू दस दे के भाई मैं इस चीज के पिछे चले सियासी नारे ने बाकी और मैं नहीं मानता कि इस पिछे हूँ खान साहब भी कोई साढ़े वास्ते कोई करन दे करना है तो फिर जाते ही ना खलो जाते डट जाते लेकिन रियासत मदीना असल हकीकत है जो उन्हें पार्टी रखी अपनी बनाई ही ना और जो सज्जे खब्बे उन्हें पाए हैं फिर रियासत मदीना वाले लोग नहीं हैं आए सर तुहानू की लगता है गिफ्ट मिलते हैं पेट्रोल दे कैसे महसूस होंगे महसूस की होना हर बंदा ही परेशान है और इस चीज के उत्ते वे के जारी गल सारे यही कि नवी हुकूमत आ रही है तो साढ़े बारे में कोई अच्छे फैसले करेगी उस चीज़ के उत्तों लोग हम बहुत ज्यादा मायूस होए ने कि भाई इन्हें आके बजाए इस चीज़ के कि सानू कोई सहूलत मिलती हैं वो सहूलत बजाए और लोग परेशान हो गए हैं ठीक है उस चीज़ के उत्ते लोग आके थोड़ा बाजन हो गए ने कि भाई इन्हों के उत्ते लोगों बहुत ज्यादा इस चीज़ पहले भी आया हों जी मियाँ साहब आते जी इंज कर वो जी चीज़ नहीं आई उस चीज़ के उत्तों हूँ सारे जे नून लीग के लोग ने भी इस चीज़ के उत्ते थोड़ा हो गए हैं कि मायूस हो गए हैं और जे नारे लगते हैं पे जी पहले उंज चल हुकूमत कर गई है वो वाकई हकीकत हर बंदा यही जी हुकूमत आँदी है जी चली जाती एक दूजे यही कह रही है और असर असर जरा सारा वो आवाम से पै रहा ठीक है आम आदमी से पै रहा अमीर लोग तो भी नहीं पै रहा क्यों अमीर लोग तो खजाने हूँ भी पे अपना पता चलता कि महंगी होनी है वो स्टाक कर लेंगे ने उन्होंने कोई नुकसान नहीं है यह आम आदमी नुकसान है आम आदमी अज भी कोई सहूलत नहीं कि आम आदमी को फलानी सहूलत आई गवर्नमेंट नवी आई है इन्हें आ दी है ठीक है उस चीज सारे गरीबा से होंगे तो गरीबा से क्यों कख नहीं करते असल चीज ये भी कि गरीब ऐसी कौम है ना कि जेड़ी हर कोई भी बंदा उन्होंने गल दस देना तो पिछे लग जाती नजर आता कि इतनों रोशनी सू मिलेगी ठीक है जबकि वो चीज़ जी ना अगे जाके खत्म हो जाती है फिर वो दीवा जो ना आहिस्ता आहिस्ता पुछन लग पा ठीक है उ होना हालात थोड़े सामने ने होना उ गल हर चीज़ के उत्ते रेट लिस्ट भी बनी है उस बजाय फिर भी कोई भी अमल नहीं कर रहा ठीक है उस चीज़ पर भी अमल हो ना फिर भी कोई लोगों को सहूलत मिल जा ठीक है हर बंदे हर दुकानदार के अपने रेट ने जिहड़ी चीज़ मर्जी लैन चले जा तुसीं ठीक है उन्हां चीज़ों के उत्ते कंट्रोल होए फिर भी शायद थोड़ा जिहा गरीब आदमी इस चीज़ का एहसास आएगा कि यार मैनू थोड़ी जी सहूलत उस चीज़ से तो कंट्रोल करन ना कम से कम देखो ना मार्केट जाओ सब्जी मंडी जिते फ्रूट मंडी हर जगह हर एक दे रेट लिस्ट गौरमेंट ने दिते ने लेकिन उस तो बावजूद आंदा जी सानू बारे च नहीं जो उन्हें नहीं इस चीज़ का तो फिर उन्होंने काम है ना वो भी गवर्नमेंट को दसन के भाई अभी इस रेट रीस से नहीं बेच सकते चीज़ा ठीक है तो बजाय इस चीज़ के आवाम को होर बोझ के तले दबन की बजाय सही चेहरा दस छना चाहिए कि अभी इस तू अगे कुछ नहीं कर सकते खान साहब आजादी निकले ने वो भी ठीक ने कि नहीं खान साहब हम आजादी निकले ने यह सारा सियासी कार्ड ही है क्योंकि आजादी इन्हों को भी टाइम है ही ना ठीक है और कोई ऐसा काम अपनी आवाम नू दस दे के भाई मैं इस चीज़ के पिछे चले सेहत कार्ड दिता है आवाम नू कफालत कार्ड दिता है लंगर खाने दिते ने पनाहगाहां दित्तियां ने कामयाब नौजवान दिता है वेखो सेहत कार्ड या लंगर खाने में वो फिर वो चीज आ जाती है हर बंदा ना सेहत कार्ड हासिल कर रहा है तो ना लंगर खाने चार बंदा तुसी मैं लंगर खाने च नहीं जावांगे ना ठीक है यह चीज़ा अगर ज देनिया ने तो उस हिसाब से सहूलत देंगे ना जे हर बंदे नू मिल सकती ठीक है लंगर खाने के जो पैसे पे करते हैं या सहूलत का वो इस सिस्टम नाल देंगे कि जो हर आवाम नू जो मैं नहीं जा रहा लंगर खाने मैनू नहीं दिल कर रहा लंगर खाने जाने दे एफ जी तो सहूलत है आम रूटीन च भी तो मिल सकती है ना ठीक है इस चीज़ पिछे है सियासी नारे ने बाकी और मैं नहीं मानता कि इस पिछे हूँ खान साहब भी कोई साढ़े वास्ते कोई करन दे करना है तो फिर जाते ही ना खलो जाते डट जाते आखिरी साह तक फिर जिम्मे पता ठीक है कौम बेचारी झुकी नहीं सकती कौम तो अज भी थोड़े सामने इन्नी महंगाई तो बावजूद भी तुम वेख लो आवाम अपनी खरीदो फरोख्त भी कर रही है अपने मामलात भी चला रही है ठीक है
अगर उंज की झुकन वाली कौम जी घर मयूस होकर बह जाते की ख्याल है, लेकिन उन्होंने पता है भाई साढ़े नाल होना हुंदा आ रहा शुरू तो। फिर खान साहब नवे पाकिस्तान रियासत मदीना का की बनेगा अगर खान साहब ना आए? असल रियासत मदीना दे विच बहुत सारिया चीज़ा ने, हुण मैं नहीं बुनियादी तौर पर कह सकता क्योंकि इतना नॉलेज नहीं रखता, लेकिन रियासत मदीना विच असल हकीकत है जिहड़ा उन्हें पार्टी रखी अपनी बनाई ही ना और जिहड़े विच सज्जे खब्बे उन्हें बाए हैं फिर रियासत मदीना वाले लोग नहीं हैं ना की ख्याल है? अगर खान साहब बजायते खुद मैं भी उन्हें गलत नहीं कभी आख्या, ठीक है अच्छे लीडर ने, लेकिन उन्होंने भी तो सोचना चाहिए कि जिन्होंने लोगों को नाल लैके पे चल रहे हैं, ठीक है वो हर पार्टियां दे विच फिर फुर के आउंदे ने, अज भी तुहाडे सामने आ इन्हां इलेक्शनां च की होया, ठीक है निकल गए लोटे लोटे अजकल, ठीक है तो लोटा कहन दा तो कोई फायदा नहीं होंदा, इन्हां दा नारा पहला की खान साहब दा पहला आंदे हन कि जिहड़े आजाद ने इन्हां नूं किसे हसीयत विच नहीं लैणा चाहीदा, ठीक है लिया ने यह कुछ चीज़ा उन्होंने को बुनियादी तौर पर। वेखो सियासत आने के पहला होर चीज़ा होंगे जो बेच आ ना बंदा फिर महसूस होंगे कि सियासत की चीज़ है, उस तो बाद महसूस होया कि हर बंदे की जरूरत है, जिमें कि हम सारिया पार्टियां अपनी जरूरत समझ के लोगों ने नाल लाया, ठीक है नजर आ रहा है वक्ती तौर पर कोई नहीं क्योंकि जो सारे वजीरे खजाना साहब ने भी तुम्हें पता पहला आंदा कि क्यों क्यों वध रहा है पेट्रोल, इस वजह तो यह सारिया चीज़ा यह वजीरे खजाना साहब क्यों पहला बयान है नहीं देंदे हैं, अज वही वजीरे खजाना ने जोड़ा हूँ आंदा जी यह करना पैना सारा, इस वजह तो यह सियासतदान लोग ने इन्हों चीज़ा सानू जो है वो दस दे, लेकिन वो दस नहीं सकते क्योंकि अं लोग सुन नहीं सकते।